सब लोग रेडी? स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रही है? यस सर ओके। तो सेमीकंडक्टर का हमने जितना कुछ कवर किया अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में से, उसका कुछ सेलियंट पॉइंट्स लेके आए हैं। और सबसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, चार्ज, है ना, और पीरियडिक टेबल, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी से कि सबसे पहले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10⁻³¹ kg। ओके। एंड मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6 × 10⁻²⁷ kg। वेरी गुड। वन कूलम चार्ज इक्वल टू हाउ मच चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सर 6.232 × 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। सो पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड विद इंक्रीज इन, किसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एग्जैक्टली। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर्स, यस एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर, नॉट इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन्स। तो एकदम क्लियर क्लियर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पीरियडिक टेबल पे? 118। इसमें इसमें से टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितने हैं? सर 18। 18 नॉन मेटल है। और मेटलॉइड्स? सर 6। सेवन। सेवन मेटलॉइड्स। सेवन। तो 118 में से 18 छोड़ दो, नॉन मेटल्स चले गए, तो 100 बचे, 100 में से 7 मेटलॉइड हो गए, 7 चले गए, तो कितना बचा टोटल नंबर ऑफ मेटल्स? 93। ठीक है। तो 93। ये मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो हैं जो मेटलॉइड्स भी बोलते हैं, मेटल भी बोलते हैं, बट एज ए फिगर हम जो पकड़ते हैं अभी, वन 18 नॉन मेटल्स, 7 मेटलॉइड्स एंड 93 मेटल्स। तो पीरियडिक टेबल का पूरा पिक्चर हमारा क्लियर। नेक्स्ट, हमको पता है कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स लाई इन ग्रुप नंबर, कौन सा ग्रुप में होता है पीरियडिक टेबल के सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स? सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स लाइज इन ग्रुप 14। सो ग्रुप 14 और वी कैन से ग्रुप 4, ठीक है। 10 जो डी ब्लॉक के है उसको ट्रांजिशन मेटल्स के डी ब्लॉक में है, उसको छोड़ो। तो कैसे करते हैं कि 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, ठीक है। तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स को बोलते हैं और ग्रुप 14, इट इज ओके। नेक्स्ट, डोनर एटम्स लाई इन ग्रुप, डोनर एटम्स लाई इन ग्रुप, डोनर एटम्स लाई इन ग्रुप, ग्रुप 5। सो डोनर एटम लाइज इन ग्रुप 5 एंड एक्सेप्टर एटम्स लाइज इन ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप 3A, ठीक है। सो 13 एक्सेप्टर्स, 14 आपका सेमीकंडक्टर एंड 15 डोनर एटम्स। वेरी गुड, हो गए याद। ग्रुप 3 एलिमेंट्स क्या क्या है? ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, थेलेनियम, थेलेनियम और थेलियम, थेलियम है थेलियम सर, थेलियम और निकोनियम। तो ये तो लास्ट वाले दोनों कुछ यूज में नहीं है, लेकिन पहले चार हमारे काम के हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और ये जानना जरूरी है कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है हमारे लिए, है ना। और ग्रुप 4 में जो सेमीकंडक्टर ग्रुप है उसमें सबसे पहले नॉन मेटल आता है कार्बन, उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम,
सिलिकॉन जर्मेनियम टीन देन लेड है ना और फिर लास्ट में आता है एक तो फ्लोरोबियम सो ये हो गए उसमें से सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं और ग्रुप 15 या 5 ग्रुप में जब बोलेंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ एंड आपका मॉस्कोबियम सो ये हो गए 3, 4 and 5 सो थर्ड ग्रुप जो है वो है अपना क्या दिस ग्रुप इज एक्सेप्टर्स और 15th ग्रुप और 5A ग्रुप ये है हमारे डोनर्स है ना डोनर अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोरोन का 5 कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7 तो 5 6 7 हो गए एल्युमिनियम कितना होगा फिर 5 + 8 13 14 and 15 गैलियम कितना हो जाएगा 13 plus कितना है 10 23 23 + 8 है ना 23 + 8 23 31 then 33 33 इंडियम हो जाएगा फिर इसके साथ 18 जोड़ दो तो 49 50 51 बाकी नीचे वाला तो हमको चाहिए तो हमको मेनली चाहिए आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 49 32 और आजू बाजू का हम पता लगा सकते हैं और सबसे आसान है बोरोन का याद तो रहेगा ही बोरोन 5 है कार्बन 6 वो सबको पता है सो कार्बन से अगर देखते हो तो कार्बन 6 + 8 14 और 14 + 18 2 8 18 18 32 है ना मैजिक नंबर एनीवेज तो 13 एलिमेंट एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर और डोनर एटम्स एक्सेप्टर एटम्स एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस एक्सेप्टर क्या है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन बनेगा और एक पॉजिटिव होल देगा है ना तो ये बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और डोनर एटम जो है वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और खुद क्या बन जाएगा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर ये हो गया क्लियर यहाँ से पूरा का पूरा पिक्चर है ना सो एक्सेप्टर आयंस आर नेगेटिवली चार्ज डोनर सॉरी डोनर ये डोनर होगा डोनर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज डोनर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज ठीक है तो ये क्यों ये चीज तो बोला हुआ है क्यों बार बार दे रहा हूँ क्योंकि यही में से इधर उधर के सवाल आएंगे आप कंफ्यूज ना हो कंफ्यूज होना ही नहीं है एक्सेप्टर क्या है डोनर क्या है क्लियर पिक्चर आंखों के सामने रहे सबका एटॉमिक नंबर के साथ है ना और सारी चीजें एक ही जगह पे रहेगा तो फिर आपको दिखने में आसानी होती है चलो उसके बाद क्या है भाई सेमीकंडक्टर हमने देखा था कि एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर और एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इन सेमीकंडक्टर एट जीरो केल्विन द फॉरबिडन गैप इज फॉरबिडन गैप कितना हो जाता है सेमीकंडक्टर में जीरो केल्विन पे कितना रहता है कोई भी सेमीकंडक्टर आर्बिट्री पकड़ रहे हैं तो फॉरबिडन गैप कितना होना चाहिए जीरो केल्विन पे बताओ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी गैप होना चाहिए ना लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा थोड़ा सा घुमाया आज है ना तो इन सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन फॉरबिडन गैप मस्ट बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी तो उसको सेमीकंडक्टर बोलोगे ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इंसुलेटर बन जाएगा है ना फॉर सिलिकॉन द एनर्जी गैप इज रिपीट 1.1 at 300 and 1.21 at 0. For germanium, 0.78. Types of semiconductor, intrinsic and extrinsic, पता है सबको artificial और doped semiconductor type. Donor atoms create. क्या create करता है donor atom? किस type का donor atom क्या create करता है? Semiconductor में free electrons. हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करता है और एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स
पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग डैश द एनर्जी कैप क्या होगा? डिक्रीजेस एनर्जी कैप। डिक्रीजेस डोपिंग डिक्रीजेस इंक्रीज एनर्जी कैप अगर इंक्रीज कर देगा तो फिर डोपिंग करोगे क्या? डोपिंग क्या करता है? एनर्जी गैप को कम करता है ताकि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। डोपिंग डैश कंडक्टिविटी इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज डैश देन द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। लेस देन। तो सिलिकॉन का कंडक्टिविटी कम, एनर्जी गैप ज्यादा। The energy absorbed by the electrons depends on temperature, type of material, frequency of radiation, all above. Temperature. Energy absorbed by the electron depends on all of the above. Frequency of radiation. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जितना होगा उसके हिसाब से। मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना कौन कैसा लेगा, बट इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर बेस करके लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। E is equal to h nu और hf। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए क्वांटम हमने क्या देखा था? E is equal to hf। तो जितना भी कोई भी टाइप का मटेरियल हो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा किस पे डिपेंड है? उसका रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। द वैल्यू ऑफ एच और प्लैंक्स कांस्टेंट इज कौन बताएगा? बोलो। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³⁴ J/s. Energy possessed by an electron in nth orbit in joules. -21.76 × 10⁻¹⁹. Nth orbit. -21.76 × 10⁻¹⁹. Z square upon n square. Z is the atomic number, n is the nth orbit, है ना? Energy possessed by an electron in the nth orbit in electron hole. -13.6 Z² / n² Yes, this much of electron volt energy is possessed. One electron volt equal to how much joule? 1.602 × 10⁻¹⁹ joule. Good. In pure semiconductor, the Fermi level is कहाँ पे रहता है? Towards valence shell or valence band or towards conduction band or center middle at the center of the forbidden band. Yes, at the center of the forbidden band. So, in n-type semiconductor, the Fermi level is near the conduction band. Near the conduction band. And in highly doped n-type semiconductor, the Fermi level is just below the conduction band. Just below or at the conduction band. ठीक है, degenerated अगर होगा, मतलब highly doped हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? Semiconductor metal की तरह भी बिहेव करता है। और मेटल में क्या होता है? फॉरबिडन बैंड होता ही नहीं है, है ना। सो फर्मी लेवल विल बी एट कंडक्शन बैंड इफ इट इज बिहेविंग लाइक ए मेटल। सो जस्ट बिलो और एट द, जो भी ऑप्शन है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज नियर टू द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड सर नियर टू वैलेंस बैंड। हाईली डोप पी टाइप में फर्मी लेवल इज सर इज एट द वैलेंस बैंड सर। हाँ बोलो सर। ये एक बार समझ में नहीं आया, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये एक बार समझा दीजिए ना।
कॉन्सेप्ट सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का? इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, जो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, सो एग्जैक्टली इट इज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर देते हो तब जाके क्या होता है कि उसको एनर्जी मिलता है, आप लाइट देते हो तब भी वो एनर्जी लेता है। सो एनर्जी जो एब्सॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है, ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी जिस तक फ्रीक्वेंसी में उसको एनर्जी मिल रहा है, उसी अगर उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है तभी वो एब्सॉर्ब करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का, ये पहले एक्सप्लेन किया है मैंने बहुत बार, कि एनर्जी लेवल जो होता है बीच में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता है, या तो एनर्जी इस, या तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे मूव कर रहा होगा उतना एनर्जी लेके, या फिर वो जंप करेगा तो नेक्स्ट हायर लेवल पे जंप करेगा, इसके बीच पे वो नहीं रहेगा। यही तो हमारा एनर्जी गैप होता है ना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, यही गैप होता है ना। सो अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं कोई भी टेम्परेचर दे रहा हूँ और वो धीरे 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 करके एनर्जी ले रहा है, तो वो गैप पे भी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मूव कर रहा है, यहाँ पे भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये वो क्या करेगा, अगर वो एनर्जी कलेक्ट करता रहेगा टेम्परेचर से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जंप करेगा, तो बीच पे कहीं रुकेगा नहीं। सो ये जो हमारा एनर्जी गैप होता है या फिर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे 1s, 2s, 2p, इस टाइप से जो लेवल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन या तो ये 1s में मूव करेगा, या फिर डायरेक्टली 2s पे जंप करेगा, या फिर 2p पे जंप करेगा, 3s पे जंप करेगा, 4d पे जंप करेगा, इस टाइप से एक एक लेवल पे जाएगा, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच पे जो एनर्जी रेंज है, जो बैंड ऑफ एनर्जीज है, उसमें एनर्जी, उसमें वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं। तो ये हमेशा पैकेट्स में एनर्जी कलेक्ट करता है, मतलब जितना एनर्जी चाहिए इसको इस लेवल से उस लेवल पे जाने के लिए, उतना फ्रीक्वेंसी पे अगर आप उसको हीट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। उससे ज्यादा या कम में अगर ट्रिगर करते हो तो फिर वो एनर्जी, ज्यादा भी एनर्जी देते हो तो फिर वो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि वो पैकेट को तोड़ के थोड़ा सा खा लूं थोड़ा रख लूं, ऐसा नहीं करेगा। So, आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही उसको ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए बोलते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और जब वो छोड़ेगा तब भी उस वही क्वांटम में ही छोड़ेगा, E इज इक्वल टू H इंटू F, ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया। तो ये पहले वाला जो वीडियोस है जिसमें एनर्जी लेवल का डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, वो देखना और बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स इज कॉल्ड Generation and disappear of merge of such pairs is called recombination. Very good. Generation dash energy and recombination dash energy in the form of heat or photon of light. Generation absorbs energy. And recombination releases. जिसके चलते क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू कंट्रोल रिकॉम्बिनेशन टू अवॉइड लो कंडक्टिविटी और एक्सेसिव हीटिंग। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज कर रहा है तो फिर मेटल गर्म हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। डैश इज एक्सेसिवली यूज्ड एज रिकॉम्बिनेशन एजेंट, सिल्वर और गोल्ड। Gold is recombination agent. The time in between generation and recombination of an electron hole pair, that is the time of existence of a hole, is called
टाइम कांस्टेंट मीन लाइफटाइम मीन लाइफटाइम मीन लाइफटाइम मीन लाइफटाइम मीन लाइफटाइम लाइज बिटवीन 1 to 1000 सेकंड और 1 to 1000 माइक्रोसेकंड तो 1 to 1000 माइक्रोसेकंड 1 to 1000 माइक्रोसेकंड माइक्रोसेकंड तो माइक्रोसेकंड Highly doped semiconductor is called dash semiconductor. Regenerate, degenerate. Degenerate semiconductor. Highly doped semiconductor को P plus या फिर N plus या फिर P minus क्या कहते हैं इसको plus minus हाँ P type N type में अगर highly है तो फिर P plus एन प्लस या फिर पी माइनस एन माइनस है ना इस टाइप से लाइटली डोप होने से माइनस देते हैं हाईली डोप होने से प्लस देते हैं डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक कंडक्टर यस कंडक्टर और मेटल कंडक्टर और मेटल यस सो डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ मास एक्शन लॉ मास एक्शन लॉ For silicon, Ni intrinsic concentration is approximately equal to dash at room temperature, 300 Kelvin. 10 to the power of 10 cm³. Any value above dash per cm³ at room temperature makes degenerate semiconductor. 10 to the power 18 per semiconductor. 10 to the power 18. The product of total free electrons and holes is equal to the square of the intrinsic concentration at thermal equilibrium. Np equal to Ni square is called the intrinsic concentration. Mass action law. Einstein equation of mass action. Einstein equation. The mass action law. Np. The mass action law. Mass action law. Np mass action is equal law. To Ni square is called mass action law. Okay. The unit of Q by KT is volt ampere, volt inverse per or coulomb per Kelvin. Minus one. Coulomb per volt to the power minus one. Volt to the power minus one. Yes. Yeah. The unit of Q by KT is volt inverse. It is volt inverse. Q volt inverse hai kyunki Q ho gaya iska. Okay, aa raha hai. So volt Voltage equivalent of temperature or thermal voltage is given by A Vt is equal to Q by KT, Vt equal to KT by Q, Vt equal to T by 11,600. और यहां से कुछ होगा सी तो ठीक है लेकिन यहाँ पे दो आंसर करेक्ट है Vt is equal to Q by KT और Vt equal to KT by Q दोनों में से KT by Q exactly so both B and C ठीक है Vt is equal to KT by Q या फिर और T by 11,600 So, K क्या है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट और ये क्या है 1.3 into 10 to the minus 23 जूल पर केल्विन मतलब एक केल्विन टेम्परेचर में 1.3 into 10 to the minus 23 जूल का एनर्जी रहता है ना तो अगर हम इसको एनर्जी में टेम्परेचर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हो देखो यहाँ से टेम्परेचर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाइड बाय द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट कर दो जितना भी टेम्परेचर है मल्टीप्लाइड बाय द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट ये क्या दे देगा आपको एनर्जी दे देगा है ना ये क्या है जूल पर केल्विन में है
और आप मल्टीप्लाई कर दो कितना डिग्री केल्विन पे है तो आपको मिल गया है जूल, डिवाइडेड बाय क्यू मतलब जूल पर कूलम, है ना। और जूल पर कूलम क्या हो जाता है, वोल्ट होता है, हमको पता है वो। मतलब वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है। तो आप एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में बता रहे हो, थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज। समझ में आ गया कैसे इसका। और Q by KT, Q हम volt inverse लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, Q is coulomb, K is joule per kelvin multiplied by kelvin, तो kelvin kelvin गया तक रह गया coulomb per joule, तो ये हो गया ना 1 by joule per coulomb। सबको समझ में आ रहा है ना। K is equal to 8.6 into 10 to the minus 5 electron volt पार केल्विन, ये दोनों तो आपको याद रख लेना। 1.3 into 10 to the minus 23 and 8.6 into 10 to the minus 5 electron volt पार केल्विन। थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट। अच्छा ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं। 0 वोल्ट, 26 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, 0.026 वोल्ट। 0.026 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इट इज अ कांस्टेंट यूनिट लेस। कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी फॉर होल्स इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और यूनिट लेस। मोबिलिटी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। द मोबिलिटी इज क्यू टी अपन एम, क्यू टी इंटू एम, एम अपन क्यू टी। क्यू टी बाई एम, क्यू टी बाई एम कहां से आया था, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई और एफ इक्वल टू एम ए, फिर ए इक्वल टू क्यू बाई एम। तो हम यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले थे क्यू ई एम बाई टी, और इसी को हमने रिलेट किया था कि वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से हमको मिल जाता है क्यू एम अपन सॉरी क्यू टी अपन एम, इट इज द मोबिलिटी, है ना। और मोबिलिटी का यूनिट भी यहीं से हमको देखने को मिल जाता है। मोबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यहाँ से देखो ये क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। मोबिलिटी को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्ट पर मीटर, कितना वोल्ट पे कितना वोल्ट पर लेंथ, है ना, वोल्ट पर मीटर। सो हो गया ना मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा नीचे, तो वोल्ट सेकंड। ये होता है मोबिलिटी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन म्यू मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिया हुआ है सबके सामने। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, बोथ ए एंड सी। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। सो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज इनटू मोबिलिटी एंड
is the concentration, E is the electron charge, and mu is the conductivity of metal. है ना? Sigma is equal to N E mu. ठीक है? Total charge into mobility. Conductivity of semiconductor कितना होगा फिर? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होगा? सिग्मा इक्वल टू इसके इतना आ जाएगा. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिग्मा इक्वल टू क्यू इनटू, यहाँ पे देखो चार्ज चार्ज तो ई के जगह पे हम क्यू लिख लेते हैं, ई भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है. कंसंट्रेशन मेटल में क्या था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन था, इसलिए एन इंटू ई हो गया. लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है ना. सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यू एन, कंसंट्रेशन ऑफ होल इज पी एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज म्यू पी. एड कर दो दोनों को, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी फॉर होल्स, सेम टू सेम मेटल में और सेमीकंडक्टर में. ठीक है? सो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन इक्वल टू पी होगा. अगर एन इक्वल टू पी होता है तो इसको एन इक्वल टू पी को हम क्या लिखते हैं? एन आई लिख सकते हैं. इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो बाहर तो क्या हो जाएगा? फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर conductivity equal to q into ni mu n plus mu p. so mobility ko add kar do, multiply kar do concentration se aur charge. for n type semiconductor kya ho jayega? concentration of electrons bahut zyada hai as compared to your holes, to isko hum neglect kar sakte hai. to isko hum likhenge q n into mu n. so ye same to same, isko e likha hai in metal और सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश करने के लिए. इसको भी आप बोल सकते हो एन क्यू म्यू. तो ये हो गया एन क्यू म्यू एन. होल के टाइम पे क्या होगा? कंडक्टिविटी विल बी क्यू पी म्यू पी, है ना. होल का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द मोबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, दिस गिव्स यू द कंडक्टिविटी. देख लो यार, एकदम दिमाग में सेट कर लो. Conductivity for metal, sigma is equal to N E mu. Conductivity for semiconductor, generalize पे लिखे तो क्या लिख सकते हैं भाई? Mobility और concentration का multiply करके दोनों को add कर दो, electron का और hole का. अगर intrinsic concentration है तो फिर mu p और mu n को plus करो और N I से multiply कर दो, because N will be equal to p. For n type, n will be greater than hole, so concentration of holes will be much much less than. तो हम इस term को neglect कर सकते हैं. Q n mu n हो जाएगा. For p type, it will be Q p mu. Clear? Next. So current density in a conductor is given by, current density in a conductor क्या था बताओ? J is equal to N E mu E. N E mu into E. और N E mu क्या है? Conductivity है ना. J is equal to sigma E, है ना. J equal to क्या लिखते हैं हम लोग ohms law में? J equal to sigma E. और थोड़ा देर पहले हमने देखा कि total charge multiplied by the mobility is your conductivity, है ना. So current density in semiconductor due to electrons can be given by, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के वजह से सेमीकंडक्टर में जो करंट डेंसिटी आएगा, Jn is equal to n q mu n. थोड़ा देर पहले देखा हमने इलेक्ट्रॉन के वजह से जो कंडक्टिविटी आएगा वो कितना होगा? n q mu n, है ना. सो मल्टीप्लाइड बाई E. कहां से लिख रहे हैं? J is equal to sigma E. ओम्स लॉ कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म बोलते हैं ना.
करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू होल्स क्या होगा, जेपी इज इक्वल टू एन क्यू सॉरी पी क्यू म्यू पी इंटू ई। सो तीनों का दिखा दिया एक साथ। टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर कितना होगा, क्योंकि पी एन इक्वल टू पी होगा, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी था आपका क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या है, क्यू एन आई म्यू पी म्यू एन प्लस म्यू पी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। निकल गया सबका। उसके बाद द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, अच्छा ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमने डिफ्यूजन करंट पढ़ा था क्या, डिफ्यूजन करंट कर लिया था? नो सर। नहीं किया ना? नहीं। ठीक है। सो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ये डिफ्यूजन करंट क्या है, देखो दो टाइप के करंट हम बोलते हैं, एक करंट तो हो गया ड्रिफ्ट करंट जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है अभी तक, बहुत कुछ कर लिया हमने, है ना, करंट उसका डायरेक्शन उसकी करंट डेंसिटी सब देखा। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट कब आता है, ड्रिफ्ट करंट आता है जब हम कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जाके ड्रिफ्ट करंट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है, अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगा, तब उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। हमने ड्रिफ्ट करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला, उससे कंडक्टिविटी निकाला, मोबिलिटी का रिलेशन निकाला, सब कुछ किया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बोलते हैं कि भाई एक काम करो, दो साइड में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, जितना भी पोटेंशियल होगा पर यूनिट लेंथ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था कि फोर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को निकालने के लिए, और फील्ड हमने बोला था कि फोर्स जो अप्लाई होता है ऑन यूनिट चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजें हमने बहुत बार बात की है। अब आते हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या है। एक तो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और क्या हो सकता है कि पकड़ लो आपका जो मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, कि एक तरफ में कोई भी एक चार्ज कैरियर है, वो हो सकता है वो मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी है, उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है कि एक साइड में आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना चार्ज कैरियर का, और एक साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, पकड़ लो इधर आयंस ज्यादा है इधर आयंस कम, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चार्जेस फ्लो करने लगेंगे, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है उसके वजह से जब चार्ज फ्लो हो रहा है, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चार्जेस इधर से उधर मूव हो रहा है, इसी करंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जेपी होल्स की वजह से। अब सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर है तो आपके पास दो टाइप के चार्ज कैरियर है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होल्स है या फिर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। अगर होल है तो आप पकड़ लो कि अगर हम पकड़ते हैं कि एक इमेजिनरी प्लेन पकड़ लेते हैं और इसी प्लेन पे का इस तरफ हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है इधर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर होल्स है वो मूव करेंगे इस साइड से इस साइड, है ना। हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज गिवन बाय योर डीपी डीएक्स, होल कितना पार लेंथ कितना वेरी कर रहा है दैट इज योर कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ होल एंड डीपी इज योर डिफ्यूजन कांस्टेंट, डीपी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट गिव्स यू द डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक बार करेंगे। जेई फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इट विल बी योर क्यू डी एन
डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स dN पर dx, ठीक है. दिस इज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स. dP इज द डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट फॉर होल्स, dN इज द डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज द चार्ज ऑफ होल्स. तो होल का चार्ज और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम रहता है. अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, यहाँ पर मैंने माइनस दे दिया, यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया. तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, सो इलेक्ट्रॉन पकड़ लो इधर से इधर मूव हो रहा है, तो आपका करंट किधर जा रहा है, उल्टा. इसी चीज को कैसे दिखा सकते हैं कि dN dx, पकड़ लो ये अगर x इधर लेते हैं और x के बढ़ने से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहा है. इसका मतलब dN dx क्या है, निगेटिव है. dN dx क्या होगा, निगेटिव होगा. इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इधर लोअर कंसंट्रेशन है, मतलब x का वैल्यू जितना बढ़ेगा, इसको कैसे समझाऊं, यहाँ पे एक प्लेन पकड़ लो और इस प्लेन पे पकड़ लो आपका जो कंसंट्रेशन है, दिस कंसंट्रेशन माइनस आपका ये ओरिजिन प्लेन अगर है, इसमें जितना कंसंट्रेशन है, तो पकड़ लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है एन ई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है एन जीरो. तो डेफिनेटली एन जीरो शुड बी ग्रेटर देन एन ई, तभी जाके इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो आपका कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, इस तरफ ओरिजिन से इधर आ रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है, मतलब एन ई माइनस एन नॉट इज निगेटिव डिवाइडेड बाई एक्स. तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस एन नॉट माइनस एन ई divided by x, and this is what, this is nothing but your dN dx, rate of change of concentration with your distance, है ना. So अगर ये minus है, dN dx का value अगर negative है, electron charge के अगर electron है, तो electron का charge क्या है, negative है. So this minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, dP dx तो negative है, dpdx क्या है, सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेंथ के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, निगेटिव है, लेकिन होल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस इनटू प्लस ये माइनस में ही आया, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट इज jp इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. In n-type semiconductor, free electron concentration is equal to the number of donor atoms, and the concentration of holes can be obtained from mass exchange. So, जब ये part नहीं कराया था, शायद सिर्फ मैं revise कराया है. हो गया है ये? नहीं हुआ है. नहीं हुआ ना, चलो. अभी बाकी तो जितना किया था वो सब हो चुका है ना? हाँ. इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आते हो, बाकी सारा चीज तो समझ गया. चलो ये वाला पार्ट करते हैं अभी. कंडक्शन इन मेटल्स समझ गया, वो तो हो चुका है ना, याद है. फिर हमने रिलेशन ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी किया था, वो याद है, फील्ड के साथ, है ना, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी क्या होता है. पहले 10³ इलेक्ट्रो वोल्ट पर मीटर तक इतना फील्ड तक लीनियर रहता है, मोबिलिटी कांस्टेंट रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियर रहता है. उसके बाद मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी आपका डिक्रीज करता है विद रूट ऑफ E से, और सेचुरेशन जोन में मोबिलिटी डिक्रीजेस विद 1/E. तो ये एक रिलेशन हमने देखा था लास्ट में. तो यहाँ से बहुत सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हो अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहे तो.
उसके बाद हमने देखा था कि करंट इन कंडक्टर्स वो भी हो गया जे इज इक्वल टू एन म्यू ई जे इक्वल टू सिग्मा ई. उसके बाद सेमीकंडक्टर इन कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर ओके कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर भी हो गया है ना. कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी होगा कंडक्शन और होल्स के वजह से भी होगा. सो जे एन इज इक्वल टू so j n is equal to n q mu n into e n e mu n q or p q mu q into ठीक है. so total current density in any semiconductor क्या होगा electron के वजह से जितना density current density होगा और holes के वजह से होगा दोनों को add कर दो तो j p is equal to q into n into mu plus p into mu p into e. ये तो हो गया करंट डेंसिटी का. फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni. सो हम यहाँ पे n इक्वल टू p तो ये दोनों को बाहर निकल लेते हैं और लिख देते हैं ni इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन म्यू n प्लस म्यू p इनटू u. ये थोड़ा देर पहले भी एक्सप्लेन किया था. सो j इज इक्वल टू सिग्मा e वही हो रहा है. तो यहाँ से हमको क्या मिला q ni म्यू n म्यू p ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना कंडक्टिविटी है ना. सो कंडक्टिविटी इज q इनटू n mu n p mu p. ये हो गया किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक के टाइम पे क्या होता है n इक्वल टू p होता है तो इसको ni से रिप्लेस कर देते हैं. कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी चार्ज के लिए. तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा होल से तो हम पी म्यू पी को इग्नोर कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं कि बहुत कम है कंडक्टिविटी इसको इग्नोर कर दो. सो हम लिखेंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्यू एन इंटू म्यू एन है ना क्यू एन इंटू म्यू एन. इसको हमने ये कमिट कर दिया. इसी पार्ट को अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये देखो क्यू एन म्यू एन इनटू ई दिस इज द करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स है ना. फिर हमने देखा कि पी टाइप में क्या होगा पी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एन का कम होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी क्यू पी इंटू म्यू पी. मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम ठीक है. सो मोबिलिटी ऑफ होल से होल का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और चार्ज टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा. उसके बाद हमने देखा कि जे एन इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ये तो हो गया यही से मिला है मेरे को तो जेपी भी मिल गया इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी होल का करंट डेंसिटी. द टोटल करंट इन ए सेमीकंडक्टर इज द सम ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट. सो टोटल करंट जो होगा वो कितना होगा वो ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन करंट. अब डिफ्यूजन करंट को डिफाइन करते हैं. ये डिफ्यूजन करंट क्या है करंट फ्लोज इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन करंट है ना. और करंट फ्लोज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट करंट. सो लेट अस कंसीडर ए बार चलो सेमीकंडक्टर का बार लेते हैं और नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन पकड़ते हैं होल्स का. सो द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज पकड़ लो यहाँ पे हमने एक वाई वाई प्लेन वाई वाई डैश प्लेन इमेजिनरी प्लेन लेते हैं और इस साइड में बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे कंसंट्रेशन होल्स का कम है. डिस्टेंस इस इमेजिनरी प्लेन का डिस्टेंस है एक्स है ना. अब देखो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डीपी डीएक्स इज गिवन बाय अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था डीपी डीएक्स क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट माइनस पी एक्स. यहाँ पे अगर हम होल का कंसंट्रेशन पी नॉट पकड़ते हैं और यहाँ पे अगर होल्स का पी एक्स पकड़ते हैं एक्स डिस्टेंस पे तो पी नॉट माइनस पी एक्स या फिर आप बोल दो पी एक्स माइनस पी नॉट
the final minus initial divided by x gives you the gradient dp dx. So the negative sign indicates that decreasing concentration. The diffusion current density due to the holes or electrons is given by Jp is equal to q dp. यहाँ पे देखो Jp मतलब holes का current density, positive charge multiplied by your minus dp dx. So क्या आएगा आपका result? It will be minus q dp into dp dx. और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा? चार्ज है माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई माइनस डी एन इंटू डी एक्स. सो ये हो जाएगा प्लस क्यू डी एन और डी एन डी एक्स. दिस इज कॉल्ड योर फिक्स लॉ. ठीक है. सो ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट. नाउ एक सेमीकंडक्टर में अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाए हो और अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तब भी क्या हो रहा है, या इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा. अभी डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो. जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कह लो यहाँ पे अगर ये होल से मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, मेजोरिटी सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, पी टाइप पकड़ रहे हैं कि सब होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है और होल्स भरे पड़े हैं. और हम अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ई, समझना बात को, ई अप्लाई किया तो क्या होगा, इधर तो पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जो डिफ्यूजन करंट है आपका, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन. और आपका जो ड्रिफ्ट करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, वो किस डायरेक्शन से जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो ये होल्स को इसी डायरेक्शन पे चलेगा. तो जो आपका डिफ्यूजन करंट है और जो आपका ड्रिफ्ट करंट है, दोनों ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है होल्स के लिए, तो दोनों एड हो रहा है. जे विल बी इक्वल टू जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट. समझ में आ रहा है ना. बट अगर हम इसी होल्स में इसी ईएमएफ को उल्टा लगाते, पकड़ लो आपने इसको उल्टा कर दिया, इसको हम क्या कर देते हैं, इधर माइनस और इधर प्लस कर देते हैं. तो इधर माइनस है मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स को इधर खींचेगा माइनस साइड में, ये माइनस है होल्स को खींचेगा. और आपका ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट करंट सॉरी डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन वो तो सेम रहेगा. डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस साइड में हायर कंसंट्रेशन है वो इधर ही जा रहा है. नाउ आपका जो ड्रिफ्ट करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ये हो गया पॉजिटिव होल्स का ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन इधर हो गया. तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहा है ना. सो टोटल करंट जो निकलेगा दैट विल बी योर जे ड्रिफ्ट माइनस जे डिफ्यूजन. ठीक है. तो डिपेंड करता है कि पोलारिटी पे, कि डिफ्यूजन करंट आपका एड हो रहा है ड्रिफ्ट करंट के साथ या डिफ्यूजन करंट इसको अपोज कर रहा है. ठीक है. और डेफिनेटली ड्रिफ्ट करंट आपका डिफ्यूजन करंट से बहुत ज्यादा होता है. अभी अगर इलेक्ट्रॉन होता तो सेम बात थी, लेकिन पकड़ लो इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर पकड़ते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है और इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कहाँ से किधर जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो इधर ही फ्लो करेगा डिफ्यूजन करंट है ना. तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, ओ से y-y प्लेन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, डिफ्यूज करेगा है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे. तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा कोई बताएगा, ये इस डायरेक्शन पे होगा. डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अगेंस्ट में होगा पॉजिटिव करंट. तो आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या हो गया,
उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है होल्स की तरह, समझ में आ रहा है ना। और अगर हम इसी पे एक बैटरी लगा देते हैं और ड्रिफ्ट करंट ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन बना है, ये रहा ये डिफ्यूजन, और ड्रिफ्ट करंट की वजह से इधर प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर माइनस है ये इलेक्ट्रॉन को ठेलेगा। तो आपका जो डिफ्यूजन करंट है और आपका जो ड्रिफ्ट करंट है दोनों क्या हो रहे हैं, करंट का डायरेक्शन एक मिनट, तो कन्वेंशनल करंट कहां पे हो गया आपका, कन्वेंशनल करंट ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, कन्वेंशनल ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ये हो गया जे ड्रिफ्ट और जे डिफ्यूजन इधर हो गया, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका पोलारिटी चेंज कर दूं, इधर प्लस कर दूं, इधर माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस डायरेक्शन पे, तो जे ड्रिफ्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन पे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जे डिफ्यूजन तो इधर था ही तो दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आया जे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का फंडा? हाँ मुझे समझ में आएगा। हाँ तुमको तो समझ में आएगा, तुम यहाँ से भागो तो। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। समझ गया ना कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा ऐसे नहीं बोल सकते। ड्रिफ्ट करंट कब आएगा, ड्रिफ्ट करंट तभी आएगा जब हम इस पे कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब हम एक बैटरी लगा रहे हैं है ना, तो करंट के डायरेक्शन मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ही आपका कन्वेंशनल ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है, अगर राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर लेफ्ट साइड की तरफ आपका चार्ज कैरियर मूव करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि चार्ज कैरियर क्या है, होल से कि इलेक्ट्रॉन है, अगर होल है तो कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जिधर आपका चार्ज कैरियर मूव कर रहा है वही आपका डिफ्यूजन करंट का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बट आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो क्या वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है कि उसको अपोज कर रहा है, उसी के ऊपर बेस करके आप निकाल सकते हो। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्यू डी एन डी एन बाई डी एक्स या फिर क्यू डी पी डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी डिफ्यूजन कांस्टेंट के बारे में बताया, ये क्या है डिफ्यूजन कांस्टेंट, डीपी एंड डीएन आर द डिफ्यूजन कांस्टेंट, और इसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो डिफ्यूजन करंट ओबेज फिक्स लो, इसी को फिक्स लो कहा जाता है, जे एन इज इक्वल टू क्यू डीएन डीएन बाई डी एस, उसको कहते हैं फिक्स लो। और ड्रिफ्ट करंट ओबेज ओम्स लो, ये बात भी नोट करके रख लो, डिफ्यूजन करंट ओबेज फिक्स लो एंड ड्रिफ्ट करंट ओबेज ओम्स लो। ठीक है, चार्ज कैरियर डेंसिटीज, सो चार्ज कैरियर डेंसिटीज क्या करना है आपका, अगर एन डी एंड एन ए पकड़ लो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स एंड नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, और ये कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स है एन डी एंड एन ए। सो मतलब क्या है, एन डी इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर मीटर क्यूब, हमने कितना डोनर एटम लगाया कितना एक्सेप्टर एटम लगाया है ना, और एन ए इज द नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस, एक्सेप्टर एटम क्या करेगा, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनेगा, तो निगेटिवली चार्ज आयन पर मीटर क्यूब कितना है वही बताएगा आपका कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम या कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। और स्मॉल एन और स्मॉल पी क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स, तो होल्स कितने क्रिएट हुए,
तो ये therefore the total positive charge density, total positive charge कितना हो जाएगा? positive charge एक तो आ रहा है आपका donor atom जो ion बना हुआ है positive ion, और एक है आपका force जो create हुआ है. तो total आपका positive charge कितना है एक semiconductor के अंदर? अगर extrinsic semiconductor है तो nd जितना donor atom आपने add किया plus concentration of the holes. और टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? एक्सेप्टर एटम जितना है प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ एक जब हम सेमीकंडक्टर लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर में टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. तो टोटल पॉजिटिव क्या है भाई? डोनर एटम पॉजिटिव चार्ज है और होल्स पॉजिटिव चार्ज है. एक्सेप्टर एटम नेगेटिव चार्ज है और आपका इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है. तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा Nd plus P is equal to Na plus small n. Now for n type semiconductor आपका इन जनरल क्या होता है कि n type semiconductor में आप एक्सेप्टर एटम तो डाल नहीं रहे हो, आप सिर्फ डोनर एटम ले रहे हो, है ना. सो डोनर Na will be equal to zero. एक्सेप्टर एटम रहेगा नहीं, एक्सेप्टर एटम विल बी इक्वल टू जीरो. और जो नंबर ऑफ होल्स होंगे दैट विल बी नेग्लिजिबल. जो थर्मली जनरेटेड होल्स होते हैं वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंसंट्रेशन है वही रहेगा. और आपने जो डोपिंग किया उससे क्या निकला? सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन निकला. सो एन डी विल बी इक्वल टू एन, क्योंकि आपका पी क्या है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. थर्मली जनरेटेड जितना सारा होल्स है काफी कम है एज कम्पेयर टू योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और Na जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कोई एक्सेप्टर एटम तो ऐड ही नहीं किया N टाइप में, है ना. और P टाइप में क्या हो जाएगा? उल्टा होगा. P टाइप में हम डोनर एटम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं. जब डोनर एटम ऐड नहीं कर रहे हो तो डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जीरो है. और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का as compared to hole that is negligible, thus Na will be equal to P. So in your p-type semiconductor number of acceptor atoms will be equal to the number of holes. हम बोल सकते हैं कि number of acceptor atoms is equal to your number of holes. और in case of your n-type semiconductor number of donor atom is equal to your number of electron, or concentration of donor atom is equal to concentration of इलेक्ट्रॉन, ठीक है. नाउ इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स. एंड तो जो होल्स है उस होल्स को कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली हमको नंबर ऑफ अगर डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं. तो होल तो है ना, जो थोड़े से भी है थर्मली जनरेटेड जो होल्स है उसको आप कैसे निकाल सकते हो? उसको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम मास एक्शन लॉ. और मास एक्शन लॉ में हमने क्या देखा था? मास एक्शन लॉ n इनटू p इज इक्वल टू ni स्क्वायर, ये था ना मास एक्शन लॉ. तो यहां से हम p n टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो n यहां पे सफिक्स यूज किया है वो क्या है? n टाइप बता रहा है. तो होल्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, है ना. सो एन इंटू इन नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यही बता रहा हूँ. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट द कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स. तो एग्जाम्स में बहुत सारी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ऐसे कि आपको डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उसमें अगर डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इसका मतलब आप स्मॉल एन जानते हो, ठीक है. एनडी अगर जानते हो तो स्मॉल एन जानते हो, स्मॉल एन जानते हो तो फिर एनडी जानते हो. तो मास एक्शन लॉ से हम क्या कर सकते हैं? एनआई स्क्वायर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेंट्रेशन या तो दिया होगा या निकाल सकते हैं. और हम होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसको निकाल सकते हैं. सिमिलरली आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इसका उल्टा होगा. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ होल्स. सो हम क्या करेंगे? यहां से कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. सो एन आई स्क्वायर बाई
your concentration of holes, or Ri square by concentration of acceptor atoms. ठीक है, so ये आपका charge density निकाल सकते हैं. क्या क्या बोला यहाँ पे कि भाई देखो कि हम पकड़ते हैं एक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसमें पकड़ लो हमने थोड़े से एक्सेप्टर एटम डाले, थोड़े से डोनर एटम भी डाले. अगर दोनों ही डाल रहे हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज उस सेमीकंडक्टर में कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा जितना आपने पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है कि डोनर एटम है, डोनर एटम पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है, पॉजिटिव आयन बनता है. और क्या है कि होल्स जितने सारे क्रिएट हो रहे हैं उस सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ये बनता है टोटल पॉजिटिव चार्ज. और क्या होता है कि अगर एक्सेप्टर एटम आप डालते हो तो एक्सेप्टर एटम वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन को लेने से वो क्या बन जाता है, वो निगेटिवली चार्ज बनता है. और निगेटिव चार्ज कहाँ से मिलते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपका डोनर एटम दे रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन है ना. तो ये दोनों मिला के टोटल निगेटिव चार्ज होते हैं. अब इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल सेमीकंडक्टर है, क्योंकि नॉर्मली जो कंडक्टर होगा तो न्यूट्रल रहेगा, पकड़ने से चार्ज तो मारेगा नहीं आपको, करंट मारेगा नहीं. इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल चार्जेस विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव चार्जेस विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस. सो Nd प्लस P विल बी इक्वल टू Na प्लस N. अब हम लोग जब बनाते हैं, अगर आप एक सेमीकंडक्टर बनाते हो उसमें अगर आप डोनर एटम ले रहे हो और एक्सेप्टर एटम भी डाल रहे हो, और अगर दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर दे रहे हो तो इट विल बिहेव लाइक ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इटसेल्फ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस डोनेट करेगा एक्सेप्टर एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा, तो इनका कोई काम नहीं रहेगा. तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग एक्सेप्टर एटम तो देते नहीं है, हम सिर्फ डोनर एटम देते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स विल बी जीरो, और जो होल्स बचे हैं पॉजिटिव चार्ज होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो होल्स आए कहां से? वो थर्मली जनरेटेड जो होल्स निकले थे वही सारे हैं, और वो बहुत कम अमाउंट में है क्योंकि आपने डोनर एटम ऐड किया हुआ है, डोपिंग किया है. सो होल्स का कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टर एटम तो जीरो है. तो क्या हो जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में, Nd will be equal to small n, है ना? Donor atom का concentration will be equal to the free electron concentration. और p type में acceptor atom का concentration is equal to hole का concentration. अब यहाँ से अगर आप हमको सवाल पूछा कि भाई n type semiconductor में बताओ कि hole का concentration क्या है, तो अभी n type semiconductor में आपको दे दिया कि donor atom का concentration दिया हुआ है, और आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंसंट्रेशन है वो पता है ना. या फिर बोलता है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें, इस टाइप से सवाल होगा, हो सकता है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें बिफोर डोपिंग इंट्रिंसिक स्टेट पे आपका एन का वैल्यू ये था, इंट्रिंसिक स्टेट पे एन का वैल्यू एक्स था. इसका मतलब इंट्रिंसिक स्टेट पे एन का वैल्यू जो था, पी का वैल्यू भी वही था और एन आई का वैल्यू भी वही है. तो हमको Ni का वैल्यू पता है, डोनर एटम का कंसंट्रेशन दे दिया है ना. सो हम क्या कर सकते हैं, होल्स का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी कंसंट्रेशन p टाइप सेमीकंडक्टर में निकाल सकते हैं. क्लियर? तो चार्ज डेंसिटीज निकल गए. अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं. इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होंगे? सबसे पहला चीज है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, जो अभी अभी बात की, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन. और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का हमने फॉर्मूला निकाला था, Ni square is equal to A, A is a constant, T cube e to the power of minus Eg by KT, K is the Boltzmann's constant, या फिर Ni is equal to, हम बोल सकते हैं N naught T by T to the power of 3 by 2 और e to the power of minus Eg by 2 KT. यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा अगर हम ये स्क्वायर को हटा देते हैं, है कि नहीं? सो ये था हमारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन. और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और दूसरा जो पैरामीटर हमने देखा था वो है मोबिलिटी. मोबिलिटी इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम और क्यू टी बाई एम. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, क्यू टी बाई एम. और मोबिलिटी को और क्या डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई. देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू इनटू ई, है ना, यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है.
increase in intrinsic concentration with temperature affects the charge densities in extrinsic concentration. So intrinsic concentration क्या करेगा, चार्ज एक्सट्रिंसिक कंसंट्रेशन में इफेक्ट डालेगा. इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम बट द होल्स इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मेजोरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन से. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल से, है ना. और जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ होल्स अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि डोनर एटम के वजह से जितना इलेक्ट्रॉन्स था वो काफी ज्यादा था. अब जब आप इसको थर्मली जनरेट कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा. तो पकड़ लो आपका कैपिटल एन ये आपका डोनर एटम्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स था और आपने क्या किया, जो स्मॉल पी जो है ये स्मॉल पी आपका होल का कंसंट्रेशन था, ठीक है. तो टोटल कंसंट्रेशन का रेशियो ये है. अभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम अमाउंट ऑफ होल्स भी बढ़े, लेकिन ये जो बड़ा ये दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे. लेकिन आपका डिनोमिनेटर में होल्स का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये क्या करेगा, एफिशिएंटली आपका मोबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा, है ना. So, इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट होल्स इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जब आपका चार्ज कैरियर ज्यादा हो जाएंगे तो मोबिलिटी क्या होगा, कम होता रहेगा, है ना. सो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखे, मोबिलिटी ऑफ एन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन वेरीज एज टी टू द पावर ऑफ माइनस एम. मोबिलिटी क्या करता है, टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी घटता है. क्यों, अभी दिखाया कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज के भी बहुत ज्यादा होंगे तो वो मोबिलिटी क्या दिखाता है आपको, कितना इजीली मूव कर सकता है, तो उसमें मूव करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना. So, mobility of intrinsic semiconductor varies T to the power of minus M over a temperature range of 100 Kelvin to 400 Kelvin. T to the power M ka value kya hoga fir? For silicon, the M is equal to 2.5 and for electrons, M is equal to 2.7. Okay? For silicon, M is equal to 2.5 for electrons and M is equal to 2.7 for होल्स. सिलिकॉन के लिए 3 टू द पावर ऑफ माइनस 2.5 ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा और 3 टू द पावर ऑफ माइनस 2.7 ये आपके होल्स के लिए, ठीक है. सो मोबिलिटी वेरी कैसे करता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 3 टू द पावर माइनस up to a range of 400 Kelvin. For germanium it is M is equal to 1.66 and M is equal to 2.33. देखो electronics में छोटे 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 में बहुत सारे values है, वो values को आपको लिख के रखने पड़ेंगे. So M is equal to 1.66 and M is equal to 2.334. The mobility decreases with increase in temperature. यहाँ यही से दिख रहा है हमको mobility क्या हो रहा है, inversely proportional है temperature के. As the carrier increases and they receive more energy too, क्या होता है, temperature increase के साथ electrons को energy भी ज्यादा मिलता है, holes को भी energy बढ़ रहा है हम बोलेंगे, तो फिर वो collision ज्यादा करेगा, है ना. तो mobility जो है वो decrease करेगा, number of electrons and holes भी बढ़ते हैं तो उनका जो space था वो कम होता है, तो mobility decrease कर रहा है. This cause
मोर नंबर ऑफ पोल्यूशन, तो पोल्यूशन बढ़ेगा, मोबिलिटी डिक्रीज करेगा. सो आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन अगर देखते हो तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इस टाइप का सवाल हो सकता है ना. सो और न्यूमेरिकल्स में आपको टेम्परेचर दिया है तो आपको मोबिलिटी निकालना है सिलिकॉन के लिए, होल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का, ये देखिए. नेक्स्ट कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी तो हमने कर लिया यार, कंडक्टिविटी के ऊपर बहुत बात किया कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कितना होता है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से कंडक्टिविटी निकाला है. द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड मोबिलिटी, है ना. यही से दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा. The number of whole electron pair increases and mobility decreases with increase in temperature. जब temperature आप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि number of whole electron pair increase कर रहा है लेकिन mobility क्या हो रहा है, decrease कर रहा है. अभी अभी देखा हमने mobility is T to the power of m, इतना decrease करता है. So however the increase in whole electron pair is greater than the decrease in mobility. क्या है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन मोबिलिटी, दस कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बढ़ेगा. इसीलिए सेमीकंडक्टर किस टाइप का मेटेरियल है, जेटीसी एनटीसी पीटीसी पढ़े थे, एनटीसी मटेरियल है सेमीकंडक्टर, क्योंकि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रहा है. रेजिस्टिविटी घट रहा है मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस घट रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस आपका घट रहा है. समझ में आया, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मटेरियल हो गया. अब ये जो रिलेशन है आपका कंडक्टिविटी, मारेंगे तुम, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो प्लस वन प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टी. डेल्टी इज व्हाट, temperature gradient T minus T naught, alpha is temperature coefficient, है ना, temperature coefficient, that is the rate of increase in conductivity per degree Kelvin, और इसी formula से हम conductivity at any temperature भी निकाल सकते हैं. Conductivity is equal to conductivity naught one plus of alpha Lt. ये same to same हमने resistance में जैसे किया था उसी तरीके का है. तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, और इसका मतलब इसका रेजिस्टिविटी कम होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इसीलिए इसको हम लोग एनटीसी मटेरियल कहते हैं, सेमीकंडक्टर इज एन एनटीसी मटेरियल. हाउएवर द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ increase in temperature due to the decrease in mobility but no appreciable change in mesolithic carriers. kya hota hai, extrinsic semiconductor hai to thoda der pehle dikhaya tha ki mesolithic carrier jo hai us pe bahut zyada change nahi aata hai, lekin mobility kya hota hai, decrease karta hai. kyun, kyunki number of carriers badh jate hain, charge carriers badhte hain to mobility mein problem aata hai. to extrinsic semiconductor mein क्या होता है, कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के साथ. ठीक है, लास्ट एनर्जी गैप पैरामीटर, फोर्थ वाला पैरामीटर और एनर्जी गैप हमने देखा है. सिर्फ एक फॉर्मूला नया टाइप का लगेगा लेकिन नया नहीं है, वो है इजी इज इक्वल टू इजी नॉट माइनस बीटा इंटू टी. ठीक है, ये लिख के रख लो, बीटा इंटू टी, और बीटा इज ए कॉन्स्टेंट, is the temperature easy not, its value e for beta ka value diya hua hai, silicon ke liye 3.6 into 10 to the power of minus 4, germanium ke liye 2.23 into 10 to the power of minus 4.
सो बीटा इज ए कॉन्स्टेंट, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. देखो दस ईजी फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन कितना होगा, ईजी 1.21 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको पता था. एट जीरो केल्विन ईजी नॉट है ना 1.21 माइनस 3.6 × 10⁻⁴. ये रहा आपका सिलिकॉन के लिए आपका बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द 300 केल्विन करके देखोगे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. जो हमने निकाला हुआ है जो वैल्यू अभी तक हम रट्टा मार रहे थे कि गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन एट 300 डिग्री इज 300 केल्विन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एट जीरो केल्विन 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं से आया. ठीक है. सिमिलरली ईजी फॉर जर्मेनियम हमको पता है 0.78 मल्टीप्लाइड बाई 2.23 × 10⁻⁴ इंटू 300 करके देखो 0.72 आएगा. लास्ट दो स्लाइड बचा है, खत्म कर लेते हैं पटक से. सो एक है ट्रांजिशन टेम्परेचर. व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट व्हिच द डेंसिटी ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स बिकम इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द कैरियर्स ड्यू टू डोपिंग इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. क्या हो रहा है कि वो टेम्परेचर जिसमें डेंसिटी ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स मतलब इंट्रिंसिक कैरियर जो है आपका थर्मली जनरेटेड, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, डोपिंग के वजह से जितना आपका कैरियर था उसका बराबर हो जा रहा है ना. और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं. इसका मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप जाओगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है ना सेमीकंडक्टर का, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो क्या हो रहा है, थर्मली जनरेटेड कैरियर और आपका जो डोपिंग का कैरियर था दोनों चार्ज कैरियर बराबर हो जा रहा है, तो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जा रहा है. द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एट हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस करंट फ्लो एज द कैरियर डेंसिटी इंक्रीजेस. जब आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो हायर टेम्परेचर पे तो करंट फ्लो डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो रहा है. जब करंट फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो जब करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या फोर्स मूव कर रहा है तो ये डिसिपेट हो रहा है, पावर डिसिपेट ज्यादा हो रहा है. पावर डिसिपेट ज्यादा हो रहा है तो इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है. जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर निकल रहे हैं. तो ऐसे करते करते क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट इज फेलियर ऑफ द डिवाइस एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड योर थर्मल रनवे. ठीक है. तो थर्मल रनवे कहां से शुरू होता है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चलते हम क्या बोलते हैं कि कभी कभी देखना कि आपका लैपटॉप है वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो लैपटॉप फट जाता है, मोबाइल है मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है. सेमीकंडक्टर डिवाइस को का कूलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसपे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा और जितना करंट बढ़ेगा पावर डिसिपेशन होगा, मतलब वो एनर्जी फिर से रिलीज करेगा और रिलीज करेगा तो वो हीट और ज्यादा गर्म करेगा डिवाइस को. अल्टीमेटली इतना गर्म हो जाएगा कि वो फेल कर जाएगा है ना. हाँ तो उसके बाद फट जाएगा. लास्ट टॉपिक इज योर हॉल इफेक्ट. और व्हाट इज हॉल इफेक्ट? अगर आप कोई भी एक मेटल, मेटल में भी होता है सेमीकंडक्टर में भी होता है, अगर एक मेटल है या सेमीकंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, पकड़ लो एक मेटल का पीस लेता हूं मैं और इसमें से पकड़ लो आपका करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन से, और इसको अगर आप एक ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखते हो तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है क्यों, क्योंकि जो चार्ज कैरियर से वो बैक साइड की तरफ जाके बैठ जाते हैं, बैक एंड में जाके चार्ज कैरियर बैठते हैं. तो पकड़ लो इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ पीछे वॉल में लग गए तो सामने का जो वॉल है
इसमें क्या हो जाएगा, सामने के वॉल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पीछे के वॉल में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, तो इधर क्या हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो यही बोल रहा है, इफ ए स्पेसिमेन कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द टू बोथ द करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक 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 मेटल पीस में या फिर एक सेमीकंडक्टर से करंट पास हो रहा है और अगर उसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो 90 डिग्री, करंट का फील्ड आपका जो एग्जिस्टिंग फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों 90 डिग्री में है, देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को कहते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या पर्पस के लिए यूज किया जाता है, हॉल इफेक्ट इज यूज to determine the nature of the semiconductor, p type है कि n type है, क्योंकि अगर p type है तो आपका holes अगर पकड़ लो आपने same एक particular direction से field रखा, magnetic field perpendicular रखा holes है, तो आपका एक जो developed electric field होगा उसका direction एक तरफ होगा, अगर electrons ज्यादा है तो उसका direction दूसरी तरफ होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन चार्ज के लिए एक साइड में धकेल देगा वो। टू डिटरमाइन द कैरियर कंसंट्रेशन, टू मेजर द कंडक्टिविटी, टू फाइंड द कैरियर मोबिलिटी एंड टू डिटेक्ट एंड मेजर द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ 1,000,000 टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट मैग्नेटोमीटर्स। हम लोग ये सारे पर्पस में हॉल इफेक्ट को काम में ला सकते हैं, ठीक है। So, salient points के ऊपर बाद में जाएंगे। और यहाँ पे और क्या हुआ, सर दूसरा पीपीटी खुल गया सर। So, आपका ये पूरा का पूरा जितना सारा बात मैंने अभी बताया हॉल इफेक्ट और सारा चीज समझ में आ गया ना? हाँ सर आ गया, और एक बार देख लेंगे सर। हाँ देख लेना, बस एक लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा आज, कि आइंस्टाइन रिलेशनशिप हमने देखा था कि डीपी डिफ्यूजन कांस्टेंट बाय मोबिलिटी इज इक्वल टू योर थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है ना, डीपी बाय म्यू पी इज इक्वल टू डीएन बाय म्यू एन। और हमने देखा था फॉर सिलिकॉन, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, इसको लिख के रखना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, dp by μp is equal to dn by μ1 is equal to vt, this is the Einstein equation। और इसमें अगर देखोगे तो ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए एट 300 केल्विन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मोबिलिटी ऑफ होल्स 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, फॉर जर्मेनियम इट इज 3800 and 1800, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम वेरी इंपॉर्टेंट। 300 केल्विन पे कितना होता है 1300 500, और यहाँ पर होता है 3800 and 1800, ठीक है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, कि इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड मूव करता है उससे कई धीमे मूव करता है आपका होल, और होल कहाँ पे मूव करता है, बैलेंस बैंड पे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, कंडक्शन बैंड पे मूव करता है ना। और फिर डीपी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फिर डिफ्यूजन कांस्टेंट अगर हमको मोबिलिटी पता है, वीटी तो हमको पता है 300 केल्विन, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हमको दे दे तो हम निकाल सकते हैं कि वीटी निकाल सकते हैं, और वीटी निकाल ले और मोबिलिटी अगर हमको पता हो तो हम डिफ्यूजन कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना फॉर होल्स और फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सो डीपी फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन कैसे निकलेगा, डीपी विल बी इक्वल टू योर म्यू पी इनटू वीटी, और म्यू पी हमको पता है कितना होता है 300 केल्विन पे,
सिलिकॉन के लिए म्यूपी होता है 500. सो 500 इंटू वीटी कितना होता है 26 इंटू 10 टू 26 मिलीवोल्ट 10 टू माइनस 3 और ये हमको मिलेगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो डीपी का डिफ्यूजन कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या होगा सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आप यहां से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हो इसको. फिर डीपी क्या होगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. जर्मेनियम के लिए 99 होगा आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट और होल्स क्या हो जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा. ठीक है. सो यहां से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो और या फिर आप ये वाला जो डेटा है उसको आप लिखते रखिए. ठीक है. तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं एपीडीसीएल वाला. हाँ सर एक बात सर, वो जो टेस्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें लास्ट क्वेश्चन सर एक न्यूमेरिकल था और जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें भी एक सर्किट न्यूमेरिकल था सर. सर वो आप नेक्स्ट क्लास में करा दोगे क्या? नहीं हो रहा था. ठीक है सर. ओके सो एपीडीसीएल वाला हो. बाय बाय. बाय बाय. बाय सर. हेलो प्रदीप. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सईद. गुड इवनिंग. आज मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं है ऑफिस में. यार तुम क्या ऑफिस में है क्या आज? बहुत बढ़िया. अच्छा दिख रहा है.